हे युवको, अपना विकास स्वयं करो। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, अपने भाग्य के लिए मैं स्वयं उत्तरदायी हूँ, मैं स्वयं अपने शुभ अशुभ दोनों का करता हूँ। स्वामी जी के इसी कथन को सत्य करता हुआ शारीरिक मानसिक भावनात्मक तथा अन्य विपरीत परिस्थितियों से अपने को बाहर निकालकर स्वयं अपने भाग्य का निर्माण करने वाले व्यक्ति डेमोस्थेनिस के जीवन से प्रेरित यह लेख है। जीवन में सफलता प्राप्त करने हेतु हर कोई समस्याओं और चुनौतियों का सामना करते हुए संघर्षों से जूझता है। विपरीत परिस्थितियां, उलझने तथा भ्रांतियां जीवन में सकारात्मक तथा रचनात्मक भूमिका निभाती हैं। प्रतिकूल परिस्थितियां तथा कठिनाइयां यह इंगित करती हैं कि इनका सामना करने से ये मानव को निरपवाद रूप से जीवन के उच्च आयामों में ले जाती हैं। कई महान व्यक्तियों के ज्वलंत उदाहरण देखने को मिलते हैं, जिन्होंने शारीरिक मानसिक तथा सामाजिक कठिनाइयों से जूझते हुए संघर्ष किया और जीवन में सफलता प्राप्त की। ग्रीक के किंग जॉर्ज फाइव के राजनीतिक सलाहकार तथा कुशल वक्ता डेमोस्थेनिस एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने अपने अधिकार को प्राप्त करने के लिए शारीरिक मानसिक तथा सामाजिक कठिनाइयों से जूझते हुए विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष किया। उन्होंने स्वयं को प्रशिक्षित करके आत्मविश्वास के द्वारा प्रतिकूल परिस्थितियों में हार नहीं मानी। विपरीत परिस्थितियों का सामना। डेमोस्थेनिस का जन्म 384 ईसा पूर्व एथेंस में एक धनी परिवार में हुआ था। 5 वर्ष की आयु में वे अनाथ हो गए। उनके परिवार के पालक डेमोस्थेनिस के नाम पर लिखी धन संपत्ति को हड़पना चाहते थे, इसलिए उनके परिवार वालों ने उनका 5 वर्ष की आयु से ही शोषण करना प्रारंभ कर दिया। वे उन्हें धमकाने लगे, व्यर्थ डांटने लगे, उन्हें शिक्षा से वंचित रखने लगे, उनके पालन पोषण में कभी ध्यान नहीं देते थे और हमेशा नीचा दिखाकर सबके सामने उनका मजाक तथा अपमान करते थे। इस प्रकार के शोषण तथा प्रताड़नाओं के कारण उनका ना तो शारीरिक विकास हुआ, ना ही मानसिक और ना सामाजिक। 5 वर्ष की आयु में कुपोषण के शिकार हुए और उनमें एक साथ बहुत सारे रोग पनपने लगे। उनमें एक विचित्र प्रकार का वात रोग इनआर्टिकुलेट स्पीच विकसित हुआ। इस रोग में व्यक्ति अपनी भावनाओं और बातों को स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं कर पाता है और यदि अपनी भावनाओं और शब्दों को व्यक्त करता है तो स्पष्ट रूप से समझ नहीं आता कि क्या कहना चाहता है। उनकी आवाज इतनी पतली हो गई थी कि 1 गज दूरी तक भी नहीं सुनाई देती थी। हकलेपन की बीमारी भी विकसित हुई। इसके साथ चक्कर से आते थे। जहां कहीं भी जाते, लोग ही नहीं परिवार के सदस्य भी उनका खूब मजाक और अपमान करने लगे। इस प्रकार शारीरिक मानसिक सामाजिक प्रताड़नाओं के कारण उनका शरीर बीमारियों का घर बन गया। अधिकार के प्रति जागरूकता। डेमोस्थेनिस जैसे जैसे बड़े होने लगे, लोग उन पर व्यंग्य कसने लगे। अब उनकी आयु 16 वर्ष की थी। वे फटे पुराने कपड़ों में गलियों से गुजर रहे थे, तभी अचानक उनके एक वृद्ध दादा ने उन्हें सचेत किया कि डेमोस्थेनिस, तुम्हें क्या हो गया है? अपना होश संभालो, इस तरह पागल बनकर क्यों घूम रहे हो? क्या तुम सच्चाई जानते हो? तुम्हारे पालक तुम्हारी संपत्ति के अधिकारी नहीं है, वे तुम्हारी सारी संपत्ति हड़पना चाहते हैं। वास्तव में तुम ही इतने बड़े घर के अधिकारी हो, मालिक हो। ये बातें सुनकर डेमोस्थेनिस स्तब्ध रह गए, क्योंकि जीवन में पहली बार उन्होंने किसी को उनसे इस प्रकार प्रेम से बातें करते हुए सुना। वृद्ध दादा की बातों से वे सचेत हुए और चिंतन करते हुए वहां से जा ही रहे थे कि रास्ते में उन्होंने एक राजनेता को बहुत बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए देखा। डेमोस्थेनिस ने मन ही मन दृढ़ निश्चय किया कि प्रभावशाली वक्तृता में कुशलता प्राप्त करके वे भी एक अद्वितीय वक्ता बनेंगे। स्वयं का प्रशिक्षण। डेमोस्थेनिस ने विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष किया
और स्वयं को प्रशिक्षित किया। डेमोस्थेनेस अपने वृद्ध दादा से सलाह लेने गए। उन्होंने उन्हें सलाह दी कि वे सबसे पहले एक अच्छे चिकित्सक के पास जाकर वात रोग की चिकित्सा करा ले। चिकित्सक ने कहा कि इस रोग का कोई पक्का उपचार नहीं हो सकता। कुछ लोगों ने उन्हें परामर्श दिया कि एक विशेष पत्थर के बारे में ऐसी मान्यता है जिसे जिह्वा के नीचे रखने से बोलने का प्रयत्न करने पर वात रोग में सुधार हो जाता है। डेमोस्थेनेस ने उनकी बातों पर विश्वास किया और उस पत्थर को ढूंढ निकाला। उसके बाद वे प्रतिदिन समुद्र के तट पर जाते और खूब जोर से ऊंची आवाज में बोलने का प्रयास करते। उससे उनकी आवाज में सुधार हुआ, उनका हकलाना भी कम हो गया और वात रोग भी कम हो गया। इस प्रकार एक अद्वितीय तथा कुशल वक्ता बनने के सपने को साकार करने हेतु वे अकेले ही विचरण करते और एकांत में रहते। उन्होंने अपने आधे सिर के यानी एक तरफ के बाल भी कटवा दिए थे। वे घर में भी भूमिगत रहते जहां पर पूरा कचरा पड़ा रहता था और वहां एक दर्पण के सामने खड़े होकर बोलते हुए कल्पना करते मानो वे हजारों लोगों को संबोधित कर रहे हो। अब लोगों को लगने लगा डेमोस्थेनेस पागल हो गया है। वे वाचनालय जाते और वहां इतिहास, राज्य तथा कानून संबंधित पुस्तकों का अध्ययन करते। वे किसी को अपने आसपास नहीं आने देते और यदि कोई उनके पास आने का प्रयत्न करता उसे पत्थर से मारकर भगा देते। वे यह सब इसलिए कर रहे थे क्योंकि वे चाहते थे कि कोई उनके इस प्रयास में बाधा ना डाले। 16 वर्ष से 20 वर्ष तक के अंतराल में वे जनता के सामने से गायब हो गए। सभी को लगा कि वे पागल हो गए हैं, अब वापस नहीं आएंगे। चुनौतियों को स्वीकारना। डेमोस्थेनेस शारीरिक, मानसिक, सामाजिक कठिनाइयों से युक्त तनावपूर्ण तथा प्रतिकूल परिस्थितियों में सकारात्मक सोच से समस्या का सामना करने के लिए उद्यत हुए। उन्होंने आत्मविश्वास का विकास किया तथा अपनी प्रतिभा को कुशलता से अभिव्यक्त किया। 20वें वर्ष यानी 4 वर्ष के अंतराल के बाद डेमोस्थेनेस अचानक जनता के समक्ष उपस्थित हुए। वे अपने वृद्ध दादा के पास गए और उनसे कहा, वे अपने परिवार वालों के विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा करेंगे और संपत्ति पर अपना अधिकार प्राप्त करेंगे। उनके दादा ने कहा कि मैंने तो केवल संपत्ति पर तुम्हारे अधिकार को तुमसे अवगत कराने के लिए कहा था, मुकदमा करने के लिए नहीं। वे डेमोस्थेनेस को समझा रहे थे कि ऐसा मत कर, कम से कम अभी तक तुम्हें रहने के लिए घर तो मिल रहा है, उसके बाद तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें घर से निकाल देंगे और तुम बेघर हो जाओगे। डेमोस्थेनेस ने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वे यह मुकदमा अवश्य ही लड़ेंगे। सभी लोग कह रहे थे कि डेमोस्थेनेस यह मुकदमा नहीं जीत पाएगा और वह किसी काम का नहीं रहेगा, क्योंकि उनके परिवार वालों के पास अच्छे से अच्छे वकील थे और वे उनसे हार जाएंगे। लेकिन उनको भी पूरा विश्वास था कि वे मुकदमा जीत जाएंगे। एक कुशल तथा अद्वितीय वक्ता। डेमोस्थेनेस ने संघर्षों से जूझते हुए अपने स्वभाव के अनुरूप स्वयं का विकास किया तथा अनुभव प्राप्त किए। एक दिन डेमोस्थेनेस अपने सारे दस्तावेजों के साथ न्यायालय गया और मुकदमे की सुनवाई प्रारंभ हो गई। अब डेमोस्थेनेस ने प्रभावशाली वक्तृता में कुशलता प्राप्त कर ली थी। इसी बीच न्यायाधीश ने देखा कि डेमोस्थेनेस के विपक्षी परिवार वालों के पास मुकदमा लड़ने के लिए वकील है, परंतु डेमोस्थेनेस के पास नहीं है। न्यायाधीश ने डेमोस्थेनेस से कहा, मुकदमा लड़ने के लिए तुम्हारा वकील कौन है? डेमोस्थेनेस ने कहा, कोई नहीं है, मैं स्वयं ही अपना मुकदमा लड़ने के लिए तैयार हूँ। न्यायालय की कार्यवाही प्रारंभ हुई। अब डेमोस्थेनेस ने अपना वक्तृत्व प्रारंभ किया और लगभग 40 मिनट तक पहली बार राज्य के इतिहास में किसी ने शुद्ध ग्रीक भाषा में बिना किसी वकील की सहायता से ठोस प्रमाणों के साथ अपने पक्ष में दलीलें रखीं।
डेमोस्थेनिस ने अपना पक्ष सोच विचार कर तर्क संगत तथा युक्तिपूर्वक रखा और विरोधी पक्ष के वकील कुछ कर नहीं पाए। उनके सारे दावे धराशायी हो गए। सब प्रतिष्ठित वकील की डिग्रियां तथा उपाधियां डेमोस्थेनिस के वक्तृत्व के सामने नहीं टिक पाईं। उनकी सारी दलीलों का डेमोस्थेनिस ने ऐतिहासिक तथा पक्के प्रमाणों के साथ एक एक करके खंडन किया और अंत में हत्याई गई संपत्ति पर अपने अधिकार को न्यायालय में न्यायाधीश के सामने प्रमाणित किया। ग्रीक के इतिहास में यह पहली बार हुआ कि किसी ने न्यायालय में बिना किसी वकील के 40 मिनट तक शुद्ध भाषा में एक ऐसी वक्तृता दी जो अपने आप में अद्वितीय थी। इस प्रकार न्यायाधीश ने डेमोस्थेनिस के पक्ष में न्याय दिया और डेमोस्थेनिस को संपत्ति पर अपना अधिकार प्राप्त हुआ। उनका भाषण इतना प्रसिद्ध हुआ कि अगले दिन वहां राजा ने उन्हें अपने दरबार में राजनीतिक सलाहकार बनाने का निमंत्रण दिया। उपसंहार। इस प्रकार हम देखते हैं कि डेमोस्थेनिस ने स्वयं को प्रशिक्षित किया, विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष किया, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक कठिनाइयों से जूझते हुए प्रतिकूल परिस्थितियों में हार नहीं मानी। उन्होंने सकारात्मक सोच, आत्मनियंत्रण, स्वयं को व्यक्त करने के लिए दूसरों को सुनने तथा समझने का प्रयास किया, तनावपूर्ण परिस्थितियों में वक्तृता का कौशल रखा, कुटिल घोर प्रताड़नाओं के सामने भावनात्मक नियंत्रण सीखा, अपने स्वभाव के अनुरूप स्वयं का विकास किया और अपनी प्रतिभा को एक कुशल तथा अद्वितीय वक्ता के रूप में अभिव्यक्त किया। अंत में संघर्षों से जूझते हुए अनुभव प्राप्त किए, अपने अधिकार के बारे में जागरूक हुए और समस्या का सामना करने के लिए उद्यत हुए, आत्मविश्वास का विकास किया और अपने अधिकार को प्राप्त किया। डेमोस्थेनिस के जीवन से युवाओं को आशावादी होने की सीख लेनी चाहिए। चाहे कोई भी चुनौती हो, उसका सामना किया जा सकता है और हर समस्या का समाधान होता है। युवाओं को सभी चुनौतियों को स्वीकार करना होगा, क्योंकि युवा अवस्था ही जीवंत जीने की ऊर्जा से ओतप्रोत, महत्वाकांक्षी तथा उच्च आदर्शों से भरी होती है। आज के युवाओं के पास विकास के अद्वितीय अवसर हैं। बस आवश्यकता है अपने अंतर में निहित सामर्थ्य को जगाने और अपनी प्रतिभा को अभिव्यक्त करने की।